हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुइंग नो मैचेस की जीतने की खुशी में अपने दोस्तों को वाइन की पार्टी दे रहा था, तभी अचानक वहां पर मास्टर चेन भी आ गई थी, जो कि जुइंग से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज कोई और नहीं बल्कि जिंगफी थी, जिसे देखकर जुइंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही साथ वो उससे हैरानगी के साथ सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ पर जिंगफी और जुइंग आपस में बातें कर रहे थे। जुइंग यहाँ पर जिंगफी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो जानता था कि जिंगफी ने ही मेडिसिन दिए थे, जिसका इस्तेमाल करके जुइंग अपनी आंखों को ठीक कर पाया था। यहाँ पर जिंगफी बातों ही बातों में जुइंग से उस रेड कपड़ों वाली लड़की के बारे में सवाल करती है, जिसके बारे में जुइंग इससे पहले कुछ भी कह पाता, तभी अचानक वहाँ पर वाइस डीन आ गए थे, जो कि जुइंग को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। साथ ही साथ वो जुइंग से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भी खुशखबरी है, हमारे फायर पैलेस के एल्डर्स ने डिसाइड किया है कि वो प्रोस्पेक्टिव वेल्डर बनाएंगे, जो सुनकर जुइंग के दोस्तों काफी ज़रा खुश हो गए थे, और वो जुइंग से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़रा लकी हो। लेकिन जुइंग अभी भी नहीं जानता था कि आखिर प्रोस्पेक्टिव वेल्डर से उसका क्या मतलब, जिस बात को वाइस डीन एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि हमारे स्काई पैलेस के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हम सब ट्रांसेंडेंट वॉरियर को एक साथ ग्रो नहीं करवा सकते, लेकिन हम लोग कुछ जीनियस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम माउंट चीवी पर बेचकर उनकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करवाते हैं। इन रिसोर्सेज की मदद से वो वहां पर अपनी कल्टीवेशन ज्यादा तेजी के साथ कर पाएगा, यानी कि वो जल्द से डेमिगॉड बन सकता है, जहाँ पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोनों एलिमेंटल पावर्स को भी अनलॉक कर पाओगे। आज के दिन तुम सब लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करो, कल के दिन तुम्हें रवाना होना होगा। यहाँ वाइस डीन ये सब बताने के बाद इन सब लोगों के साथ वाइन को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जिंगफी को ज्यादा मौका नहीं मिल पाता कि वो यहाँ पर जुइंग के साथ बात कर पाए, इसलिए जुइंग ने उसे अपने घर ही बुला लिया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंगफी यहाँ पर जुइंग के पैलेस आ चुकी थी, जहाँ जुइंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। जुइंग उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए फौरन उसका इंट्रोडक्शन जुकिन से करवाता है, जिसके बारे में वो बताता है कि ये मेरी केयर टेकर है, जबकि साथ ही साथ वो जुकिन से भी जिंगफी का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि ये मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ जिंगफी के मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ जुकिन भी इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है। जुकिन के यहाँ से जाने के बाद जिंगफी जुइंग को बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अलविदा कहने के लिए आई थी, क्योंकि मैं भी जल्द वापस अपने चेंगफिंग एकेडमी जा रही हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द कल्टीवेशन करके अपने ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंच सकूं। हां दोस्तों, एपिसोड 6 में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जिंगफी ने अभी तक अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया, यानी कि जिंगफी अभी तक ट्रांसेंडेंट लेवल की वॉरियर नहीं बनी। यहाँ पर ये लोग इसी तरह खड़े होकर बातें कर रहे थे, जबकि जिंगफी जुइंग का हाथ भी पकड़ लेती है। दूर से जुकिन ये सब होता हुआ देख रही थी, और ऐसा लगता है कि शायद इस बार उसे जेलसी हो रही है, वो कहीं ना कहीं जुइंग से प्यार करने लगी। यहाँ ये सब होने के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुइंग अब प्रोस्पेक्टिव एल्डर बन चुका था, और उसे चुइन माउंटेन पर लेकर जाने के लिए मास्टर गोंग आए हुए थे। ये दोनों ही एक पोर्टल का इस्तेमाल करके चुइन माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। मास्टर कोंग जुइंग से कहता है कि अगले 100 साल तक तुम यहीं पर कल्टीवेशन करके खुद को सेंट लेवल या फिर डेमिगॉड ट्रांसेंडेंट लेवल तक पहुंचाओगे। ये चुइन माउंटेन जुइंग को काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर जुइंग की मुलाकात सर सी कोंग से भी होती है, जो कि जुइंग को चुइन माउंटेन के रूल्स के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ के रैंकिंग सिस्टम भी जुइंग को एक्सप्लेन करते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा रैंक जितना ज्यादा हाई होगा, तुम्हें उतने अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, तुम अपने रैंक को हार्ड वर्क कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू के साथ अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो तुम्हें कम से कम रिसोर्सेज मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर मौजूद सब कुछ है तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ वो जुइंग को बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ और दोस्त भी होंगे, तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना। साथ ही साथ वो यहाँ पर जुइंग से कहते हैं कि पूरी इंसानियत की उम्मीदें तुमसे है, हमारे फायर पैलेस के एल्डर्स ने सब लोगों में तुम्हें ही चूज किया, तो तुम्हें इस बात की अहमियत को समझना चाहिए। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने एलिमेंट्स की ट्रू मीनिंग को अनलिश करना ही होगा, क्योंकि इसी तरह से तुम डीमंस को हरा सकते हो। डीमंस के खिलाफ हमने बॉर्डर्स पर काफी ज्यादा नुकसान झेल लिया, उनके खिलाफ जीत हासिल करने का बस यही इकलौता तरीका है। उनकी ये सारी बातें सुनकर जुइंग उनसे वादा करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, जो सुनकर सर सी कोंग वहां से जाने लगे थे, और वो जुइंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम मास्टर गोंग से कह सकते हो। यहाँ उनके जाने के बाद जुइंग अपने चुइन माउंटेन के बाकी के दोस्तों से मिलने के लिए आ जाता है, जो कि सबके सभी जुइंग को देखकर काफी ज़रा खुश लग रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने जुइंग के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेकिन उनमें से एक लड़का जेंग, जो कि थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था, उसका सीरियस मूड मुझे तो कुछ ज़रा खास नहीं लगा। यहाँ पर जुइंग उन लोगों से सवाल करता है कि मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर हम लोगों के साथ एक सिस्टर भी होगी, जिस पर जुइंग का मोटा दोस्त पेंगबू बताता है कि हाँ, हमारे साथ यहाँ इस माउंटेन पर एक लड़की भी है जिसका नाम सिस्टर जाओ है, यकीनन वो यहीं पर कहीं ना कहीं आसपास होगी,
वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। पोंबू अभी ये सब कह रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से सिस्टर जाओ आ गई थी जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जुइंग उसकी खूबसूरती देखकर थोड़ा सा शौक हो गया था तभी अचानक हम देखते हैं कि वो लड़की जुइंग को किसी तरह के इल्यूजन में ले गई थी जहां वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके जुइंग को खुद की तरफ अटैक करने की कोशिश कर रही थी। जुइंग भी कुछ देर के लिए बहक गया था पर तभी अचानक उसे सिस्टर जाओ में जिंगफी की झलक दिखाई देती है इसलिए जुइंग फौरन अपना हाथ उड़ाते उस इल्यूजन से बाहर आ गया था जो बात सिस्टर जाओ को तो काफी जरा हैरान कर देती है। पेंगबो भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि जुइंग क्या तुम जानते भी हो कि आज तक सिस्टर जाओ के इल्यूजन को कोई भी तोड़ नहीं पाया। तुम शायद वो पहले इंसान होगे जो कि ऐसा कर पाया है। जब से तुमने उस मॉन्स्टर से फाइट जीता था तभी से सिस्टर जाओ हमेशा तुम्हारी ही बातें करती रहती थी। यहाँ ये सारी बातें सुनकर सिस्टर जाओ को तो काफी बुरा लग रहा था जबकि दूसरी तरफ पेंगबो जुइंग को वाइन और खाने के लिए इन्वाइट करता है जिस पर ब्रदर जेंग आगे आकर जुइंग से कहता है कि हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आए हैं सिर्फ खाना खाने और वाइन पीने के लिए नहीं इसलिए हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। सिस्टर जाओ हम में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करती है इसलिए उसका रैंकिंग 1 है जबकि ब्रदर जाओ सेकंड रैंक पर था। थर्ड रैंक पर इस वक्त फिलहाल जुइंग है लेकिन अगर उसने ज्यादा मेहनत नहीं की तो वो शायद नीचे की तरफ चला जाए। यहाँ ये सब कहने के बाद ब्रदर जेंग जुइंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें चुइंग माउंटेन घुमा लाऊं क्योंकि अब तुम हमारे साथ यहीं पर रहने वाले हो जो सुनकर जुइंग उसके साथ जाने वाला था लेकिन वो देखता है कि पेंगबो उदास लग रहा है इसलिए वो पेंगबो से कहता है कि फिकर मत करो किसी दिन मैं तुम्हें खाने पर इनवाइट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर जेंग ने जुइंग को पूरा चुइंग माउंटेन दिखा दिया था और वो यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो जुइंग से ज्यादा टैलेंटेड है। वो जुइंग को बता रहा था कि बेशक तुम बाहर की दुनिया में एक जीनियस हो लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। हम दोनों ही फायर पैलेस से बिलोंग करते हैं इसलिए हम दोनों को मुझे लगता है कि साथ रहना चाहिए। अगर तुम पेंगबो जैसे लूजर और लेजी इंसानों के साथ रहोगे तो तुम्हारा रैंक काफी गिर जाएगा और तुम्हें तो मालूम ही है कि जितना तुम्हारा ज्यादा हाई रैंक होगा तुम्हें उतने अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे। यहाँ ये सब कहने के बाद वो जुइंग को एक कमरे की तरफ भेज देता है जहाँ पर जुइंग के आज के रिसोर्सेज पड़े होंगे। जुइंग भी उसकी बात मानते हुए उस रूम में आ चुका था जहाँ पर जुइंग को एक एलेक्सर देखने को मिलता है। ये एलेक्सर बहुत ही ज्यादा कीमती है जिसके बारे में जुइंग जानता था कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी के पैसे भी लगा देता तब भी मैं इसे एक को नहीं खरीद पाता और ये लोग हमें ये हर रोज देने वाले हैं। वाकई में ये जगह काफी ज्यादा खास होगी। यहाँ ये सब जानने के बाद जुइंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुइंग माउंटेन पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है। उसकी कल्टीवेशन हर दिन के साथ इंप्रूव होती जा रही थी। दूसरी तरफ हम चेंगफिंग एकेडमी में जिंगफी को देखते हैं जो कि खुद भी अपने कल्टीवेशन पर ही सारा ध्यान लगा रही थी। जुइंग को इस माउंटेन पर काफी अर्सा हो चुका था जिसके दौरान उसने बहुत सारी बुक्स पढ़कर अपने विंड एलिमेंट को भी एक्टिवेट कर लिया था यानी कि जुइंग के पास अब 2 नहीं बल्कि 3 एलिमेंट्स की पावर है। साथ ही साथ उसका रैंक भी फर्स्ट हो चुका है जो बात ब्रदर जेंग को तो अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ एल्डर गोंग भी यहाँ पर मास्टर सीकोंग को बता देते हैं कि जुइंग बेशक तो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट कर रहा है लेकिन बुरी खबर यह है कि जुइंग अब 2 एलिमेंट्स की जगह 3 एलिमेंट्स की ट्रू मीनिंग को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा क्योंकि अकेले 2 एलिमेंट्स की ट्रू मीनिंग को भी अनलॉक करना नामुमकिन है। मास्टर सीकोंग भी इस बारे में अच्छे से जानते थे इसलिए वो एल्डर गोंग के साथ फौरन यहाँ चियुन माउंटेन आ गई थी जो कि वहाँ पर मौजूद सारे डिसिपल से कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों की कल्टीवेशन प्रैक्टिस का टेस्ट लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में तुम लोगों ने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। जो सुनने के बाद सिस्टर जाओ सबसे पहले आगे आ गई थी। वो मास्टर से कहती है कि सबसे पहली फाइट मैं आपसे लड़ना चाहूंगी। ये कहते हुए सिस्टर जाओ अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ते हुए सीकोंग पर हमला करना शुरू कर देती है जहाँ पर मास्टर सीकोंग काफी आसानी के साथ उसके हमलों को डॉच कर पा रहे थे। पर साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि सिस्टर जाओ की सोर्ड स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की है। सब लोग देखकर उसे मदहोश हो गए थे। मास्टर सीकोंग भी यहाँ पर सिस्टर जाओ की तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव किया, अब जुइंग इसके बाद तुम आगे आओ। जो सुनकर जुइंग आगे आते हुए अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद उसने मास्टर सीकोंग के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी जहाँ वो आगे बढ़ते हुए लगातार मास्टर सीकोंग पर हमले करता जा रहा था। मास्टर सीकोंग जुइंग के सारे हमलों को डॉच करते हैं जबकि साथ ही साथ यहाँ पर फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जुइंग ने मास्टर सीकोंग के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा दिया था जो बात वहाँ पर मौजूद सारे डेसिबल्स के लिए काफी जरा हैरान कर देने वाली थी क्योंकि वो कभी भी मास्टर सीकोंग को हिट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ पेंगबो सिस्टर जाओ को छेड़ते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें इस लड़के से प्यार हो गया, तुम तो इसे इतना घूर घूर कर देख रही हो, जबकि ये बात सच भी थी। जबकि दूसरी तरफ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जुइंग ने अपने वाटर वेव्स का इस्तेमाल करते हुए एल्डर सीकोंग पर एक जोरदार अटैक कर दिया था जिसे रोकने के लिए मास्टर सीकोंग भी जानबूझकर अपनी फायर एलिमेंट की फुल पावर्स का इस्तेमाल कर देते हैं जिसका इस्तेमाल करके सिर्फ उन्होंने वो अटैक नहीं रोका बल्कि उन्होंने जुइंग को भी थोड़ा सा घायल कर दिया जो देखकर जुइंग के दोस्त हैरान होते हुए कहते हैं कि आज तक एल्डर सीकोंग ने हमें चोट नहीं पहुंचाई, आखिर वो जुइंग के साथ इतना जरा सख्ती क्यों बरत रहे हैं। जबकि जुइंग को इस बात का गुस्सा नहीं आता बल्कि वो मास्टर सीकोंग से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख गया। लेकिन एल्डर सीकोंग तो पहले से ही काफी गुस्से में थे, वो जुइंग पर भड़कते हुए कहते हैं कि यूजलेस, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि चुइंग माउंटेन पर जाने के बाद अपना सारा के सारा ध्यान वाटर एंड फायर एलिमेंट्स की ट्रू मीनिंग को अनलॉक करने पर ध्यान देना, तुम यूजलेस चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन तुमने मेरी बात ना मानते हुए अपनी
विंड एलिमेंट को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मजाक है? दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके उनकी ट्रू मीनिंग को अनलॉक करना बिल्कुल मुश्किल है, जबकि तुम तो बेवकूफों की तरह थ्री एलिमेंट्स को कंबाइन करके उनकी ट्रू मीनिंग को सीखने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह से तो तुम बर्बाद हो जाओगे। एल्डर गोंग यहाँ पर सीकोंग को शांत कराते हुए जुइंग को समझाते हुए कहते हैं, जुइंग तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि ट्रांसेंडेंट स्टेज तीन लेवल्स में डिवाइड है, स्काई ट्रांसेंडेंट, स्ट्रेंथ ट्रांसेंडेंट और इवन डेमीगॉड्स ट्रांसेंडेंट। तुम इस वक्त स्काई ट्रांसेंडेंट लेवल पर हो, जबकि बहुत ही कम लोग ही सेंट लेवल तक पहुंच पाते हैं। तुम्हारा टारगेट तो सेंट लेवल भी नहीं बल्कि डेमीगॉड लेवल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तीन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन यहीं पर रुक जाए और तुम कभी भी ब्रेक थ्रू ना कर पाओ। जुइंग उन लोगों की बातें सुनकर कहते हैं कि आप लोगों की बातें मुझे सही से समझ आ गई, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वाटर का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, जबकि फायर को मैं अटैक के लिए यूज कर सकता हूँ। विंड इन सबसे अलग है, वो आजाद है। अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर लूँ तब मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाऊंगा। मास्टर सीकोंग तो उसकी ये बातें सुनकर काफी ज़रा गुस्से में आ गई थी। वो जुइंग को लास्ट वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अपनी विंड एलिमेंट की पावर्स को यूज करना छोड़ दो, सिर्फ बाकी के दो पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारे लिए काफी ज़रा मुश्किलें क्रिएट हो जाएगी और मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं चाहता। पर दूसरी तरफ जुइंग को भी खुद पर कुछ ज़रा ही भरोसा था। वो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर एल्डर सीकोंग काफी ज़रा गुस्सा होते हुए जुइंग को पनिशमेंट के तौर पर उसका रैंक गिरा देते हैं। वो उसे सबसे लास्ट रैंकिंग पर रख चुके थे, लेकिन सच कहो तो जुइंग को इस बात से ज़रा फर्क नहीं पड़ता। जुइंग के बाकी के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि जाकर एल्डर सीकोंग से माफी मांग लो, वही सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन के रास्ते को ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां जुइंग वाइन पीते हुए लाइब्रेरी में बैठकर अपने तीनों एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बारे में पढ़ रहा था। तभी अचानक वहां पर वाइस डीन आ जाते हैं, जो कि जुइंग को ऐसे देखकर कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर लीजिन भी बिल्कुल ऐसे ही थे, वो भी अक्सर पढ़ते वक्त वाइन पिया करते थे। यहां पर जुइंग वाइस डीन को देखकर कहता है कि वाइस डीन क्या आप मुझे भी मना करने के लिए यहां पर आए हो? जो सुनकर वाइस डीन जुइंग से कहता है कि बेशक मैं जानता हूं कि तुमने गलत रास्ता चूज किया, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान हो। जब लोग कह रहे थे कि तुम अबाइस डीमन को नहीं हरा सकते तब भी मुझे तुम पर यकीन था, तुमने हमेशा ही बाकी के लोगों को गलत साबित किया और इस बार भी मुझे तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए तुम्हें जो भी कल्टीवेशन का रास्ता खुद के लिए अच्छा लगे वही चूज करो। उस रास्ते का अंत क्या होता है इस बात से क्या ही फर्क पड़ेगा, तुमने उस रास्ते को खुद चूज किया ये ज्यादा बड़ी बात है। जुइंग वाइस डीन की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन चेंगफेंग एकेडमी का दिखाया जाता है, जहां जिंगफी बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही थी और आखिरकार वो अपने ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंच जाती है। जिंगफी के यहां ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंचते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर एक ग्रैंडमा आ चुकी थी, जबकि साथ ही साथ वाइस डीन भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर पहुंच चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने महसूस कर लिया था कि किसी रेयर जीनियस ने खुद को ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंचा दिया और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल चुकी है। यहां पर मौजूद ये ग्रैंडमा जिया सिटी के एक आइस मैजिशियन थी, जिसे जिंगफी काफी ज्यादा कमाल की लगती है, क्योंकि जिंगफी भी आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है। इसलिए ग्रैंडमा ने डिसाइड कर लिया था कि वो जिंगफी को ही अपना सक्सेसर बनाएगी, लेकिन उसके लिए जिंगफी को डेमीगॉड ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंचना होगा। वाइस डीन तो ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो गई थी। वो तो पहले से ही जानते थे कि जिंगफी जुइंग की दोस्त है, तो अगर वो भी चुइन माउंटेन चली जाए तो वो वहां पर जुइंग की कल्टीवेशन में उसकी मदद कर सकती है। बाकी के एल्डर इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। वो लोग कहते हैं कि हम इतने कम अरसे में दो ट्रांसेंडेंट लेवल के वॉरियर्स को चुइन माउंटेन पर कैसे भेज सकते हैं, लेकिन इन्हीं में से मौजूद एक एल्डर कहती है कि मैं इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि हमें ये बात तो अच्छे से मालूम है कि डीमंस हम लोगों पर हमला करने की तैयारी कर चुके, हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस लड़की को चुइन माउंटेन पर भेजना हम लोगों का सही फैसला होगा। यहाँ पर ये सारी बातें होने के बाद आखिरकार फैसला हो गया था, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंगफी को चुइन माउंटेन पर भेज दिया जाता है। वहां पर पहले से मौजूद डेसिपल तो जिंगफी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि ब्रदर जेंग तो अपने मन में सोच रहा था कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, इसलिए ब्रदर जेंग अच्छी अच्छी बातें करके यहाँ पर जिंगफी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंगफी बस उससे एक ही सवाल करती है कि क्या तुम लोगों को मालूम है कि जुइंग कहाँ पर है, जिस पर वो लोग बता देते हैं कि जुइंग जर्ने के पास अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होगा। ये सुनकर जिंगफी फौरन वहाँ के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन ये सब कुछ ब्रदर जेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मन में गुस्सा होते हुए कहता है कि इस लड़की को भी वो कमीना जुइंग ले गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जर्ने के पास जुइंग अपनी स्पेयर प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक जिंगफी वहां पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर जुइंग शोक होते हुए कहता है कि जिंगफी आखिरकार तुम भी ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंच गई, तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। जिंगफी भी तो जुइंग को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, असल में तो वो इतनी ज्यादा मेहनत जुइंग के पास ही रहने के लिए कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जुइंग और जिंगफी एक साथ बैठकर कई देर तक बातें करते हैं। जिंगफी कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि हमारे पहले मिशन के बाद हम दोनों इतनी दूर तक साथ आ गए। जुइंग भी उसे अपनी सारी कहानी बता देता है कि यहाँ आने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ और अब सब लोगों को लग रहा है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन है, जिस पर जिंगफी भी उसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे रास्ते में तुम्हारा साथ दूंगी। यहाँ पर ये सब तो चल ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि सारे डेसिपल को मास्टर सीको
कोंग एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि वो अपने साथ मास्टर चैन को लेकर आए हुए थे और वो इनके बारे में बताते हैं कि ये एक न्यू डेमिगॉड ट्रांसेंडेंट लेवल के वॉरियर है। मैंने मास्टर चैन को काफी ज्यादा मुश्किल से तुम लोगों के लिए मनाया है ताकि वो तुम लोगों को कुछ न कुछ सिखा सके। ब्रदर जेंग तो ये सब सुनकर अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि यही मेरे पास एक अच्छा मौका होगा, मुझे इस टीचर को इम्प्रेस कर लेना चाहिए जिसके बाद ये मुझे अपना डिसिपल बना लेंगे और मैं जल्द से जल्द डेमिगॉड लेवल पर पहुंच पाऊंगा। वैसे तो यहाँ पर मौजूद जिंगफी के अलावा और कोई भी नहीं जानता कि जुइंग और मास्टर चैन के तालुकात कितने अच्छे हैं। इसलिए मास्टर सीकोंग यहाँ पर जुइंग की शिकायत मास्टर चैन को लगा रहे थे। वो उन्हें बताते हैं कि हमने जुइंग के लिए जो कल्टीवेशन का रास्ता चूज किया जुइंग उस पर चल नहीं रहा, वो खुद का ही एक गलत रास्ता चूज करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर मास्टर चैन कहते हैं चलो ये तो उसके साथ फाइट करने पर ही साबित होगा कि कौन सही है कौन गलत। मास्टर चैन यहाँ पर ये सब कहने के बाद जुइंग को अपने साथ फाइट करने के लिए सामने बुला लेते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।